इफ यू लिव इन द सिटी ऑफ एरिया ऑफ दुबई यू शुड गो टू द VFS डू नॉट प्रोसीड टू कम्प्लीट द फॉर्म ऑनलाइन। अगर तो आप दुबई में रहते हैं और आपने दुबई की जो VFS का दायरा है वहाँ पर वीजा अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट VFS में जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वकार साहिब। आज की वीडियो भी वादे के मुताबिक मैं जॉब सीकर वीजा के ऊपर बना रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई, सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री से जॉब सीकर वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग पुर्तगाल के जॉब सीकर वीजा के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम गूगल पे चलते हैं और वहां पर हम लिखते हैं जॉब सीकर वीजा ऑफ पुर्तगाल फ्रॉम UAE। ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वही सेम वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाई थी, ये आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपने नीचे आना है तो वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपने यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दूसरा भी वही फॉर्म मिलेगा जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो इंक्वायरी है उसके लिए आपने सेफ जो यहाँ पुर्तगाल का इमिग्रेशन का अदारा है उनको ऑथराइज करना है कि वो आपका पुर्तगाल में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिकॉग्नाइज सिग्नेचर, ये आपने पुर्तगाल से कोई भी बंदा जो पुर्तगीज सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो और उसके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड हो, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा कि आप जब यहाँ पर आएंगे यहाँ पर जो खाने खाइश का खर्चा है वो बंदा आपका बेयर करेगा। और इन केस आपको वीजे के दौरान जॉब नहीं मिलती और आप वापस नहीं जाते, यहाँ पर इलीगल हो जाते हैं, तो आपको वापस भेजने का जो एक्सपेंस है वो भी वही रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो पे करेगा। चौथे नंबर पर डेक्लरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इनरोलमेंट इन IEFP। IEFP में आपने अपनी इनरोलमेंट करवानी है तो इस पे आपने क्लिक करके IEFP की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आपने इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर डेक्लरेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इसके लिए भी मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, बड़ा आसान है, आप 2 मिनट में ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं एंड विद इन 2 to 3 hours आपको IEFP की डेक्लरेशन आपकी ईमेल में मिल जाएगी। उसके बाद आपने एम्बेसी में वीजा अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करना है तो इस तरह का आपके सामने ई वीजा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अगर रजिस्टर्ड नहीं किया तो पहले रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड कैसे करना है उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है। चूंकि मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, लॉग इन बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं बिगेन सेशन करता हूँ तो इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अप्लाई फॉर ए वीजा पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नेशनैलिटी पहले नंबर पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं तो आप चूंकि दुबई में रह रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद व्हाट इज योर टाइप ऑफ पासपोर्ट, तो कॉमन ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। देन मोर देन 90 डेज आपने सिलेक्ट करना है। ये प्रीवियस वीडियो वाला सेम प्रोसेस है, जस्ट आपको लास्ट में एक चीज आप मैंने बतानी है जो कि उससे डिफरेंट है। यहाँ पर आपने मोर देन 1 ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जॉब सर्च सिलेक्ट करना है। देन आपके सामने इस तरह का एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है। ये नॉर्मल सी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर वीजा के लिए तकरीबन वही है। यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू लिव इन द सिटी ऑफ एरिया ऑफ दुबई यू शुड गो टू द VFS डू नॉट प्रोसीड टू कम्प्लीट द फॉर्म ऑनलाइन। अगर तो आप दुबई में रहते हैं और आपने दुबई की जो VFS का दायरा है वहां पर वीजा अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट VFS में जाएं और वहां पर जाकर ये जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अबू धाबी रहते हैं, इफ यू लिव इन द सिटी ऑफ एरिया ऑफ अबू धाबी यू कैन गो टू द VFS और प्रोसीड टू कम्प्लीट द फॉर्म ऑनलाइन। तो आप VFS अबू धाबी में भी जा सकते हैं या आप सिर्फ फॉर्म भी फिल करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके तो आपका वीजा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपको समझ आई है कि दुबई के लिए आपका वीजा अप्लाई हो सकता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो उनके लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट आपको चाहिए जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 3 मंथ्स हो, आपकी फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद रिटर्न टिकट चाहिए। देन अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रेजिडेंस वीजा वहां का होना चाहिए। आपको मैंने एक फॉर्म बोला था, आपने सेफ को ऑथराइज करना है कि सेफ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सके, तो वो फॉर्म भी आपने फिल करना है। उसके बाद क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको अपने होम कंट्री से भी चाहिए और दुबई से भी चाहिए। उसके बाद वैलिड ट्रेवल इंश्योरेंस 6 मंथ की होती है, वो आपने करवानी है। देन प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
ये आपको मिनिमम 3 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने शो करनी है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो पुर्तगाल की 705 यूरो की सैलरी है उसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो उतनी अमाउंट आपके लाजम अकाउंट में होनी चाहिए। उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ऊपर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगी है, वो अगर पुर्तगाल में जो आपका रिस्पॉन्सिबल बंदा है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है और उसके अकाउंट में मिनिमम 2200 यूरो तक होते हैं तो फिर आपको दुबई में बैंक स्टेटमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये लास्ट में एक डॉक्यूमेंट है जो आपने IEFP में एनरोलमेंट करनी है, वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आपने साथ में लगाना है। तो ये सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपने करके आप जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपको 4 महीने का जॉब सीकर मिलेगा और यहाँ पर आकर अगर 4 महीने में आपको जॉब नहीं मिलती तो आप 2 महीने मजीद वीजा एक्सटेंड करवा। सऊदी अरेबिया के लिए भी सेम प्रोसेस है, अगर आपने लाजम चेक करना है तो आप यहाँ पर सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करें, देन नीचे कॉमन पासपोर्ट, देन आपने नीचे मोर देन 90 डेज, देन यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट कर लेना है, अगेन आपने यहाँ पर मोर देन 1 ईयर, यहाँ पर आपने जॉब सर्च सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर सऊदी अरेबिया के लिए भी सेम ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है प्रोसीड टू फिल योर वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द फॉर्म। तो सऊदी अरेबिया पे आपने जस्ट फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पर जस्ट एप्लीकेशन फिल करनी है। यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पर आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए एक मैं अलहदा नई वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो आपको मैं बड़े तरीके से ये चीज समझाना चाहता हूँ ताकि जो भी बंदा वीजा अप्लाई करे एटलीस्ट उसका वीजा लग। तो आज के लिए इतना कुछ ही, खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।